रूस की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच चल रही तल्खी को लेकर कई बातें सामने रखी। पीएम मोदी ने भारत और चीन के बीच मतभेदों की तमाम धारणाएं दूर करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में स्थायित्व है और सीमा संबंधी विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच बीते 40 सालों में एक भी गोली नहीं चली। पीएम मोदी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भारत के रूस नजदीकी और चीन के साथ मतभेद के संबंध में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मोदी ने कहा कि जहां तक चीन की बात है तो हर किसी को पता है कि दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद है। वहीं उन्होंने कहा कि विवादों के बावजूद हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वे हमारे देश में निवेश कर रहे हैं, हम उनके देश में निवेश कर रहे हैं, दोनों तरफ व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मोदी ने चीन और रूस को लेकर भारत के संबंधों पर बोलते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है चीन और रूस के बीच क्या संबंध हैं और भारत और रूस के बीच क्या संबंध हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत और चीन कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं।